नमस्कार, स्वागत है आपका सतहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की तीन बड़ी खबरों का विश्लेषण। इसके पहले कि मैं ये प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। आज की मेरी लिस्ट में पहली खबर है किस तरीके से केरला की विधानसभा ने आज एक प्रस्ताव पारित किया है और केंद्र सरकार से कहा है कि ये जो तीनों कृषि कानून हैं उनको कैंसिल किया जाए, उनको निरस्त किया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता तो केरला के जो किसान हैं वो बिल्कुल भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे, ऐसा वहां के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का कहना है। इसके सारे डिटेल्स आपको बताऊंगी। इसके अलावा हमारी जो दूसरी खबर है वो है पश्चिम बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, दिलीप घोष, उनका एक फिर से एक विवादित बयान सामने आया है और इस बार उन्होंने जो हिंदू युवक है उन्होंने कहा है कि महिलाओं के सम्मान को बचाने के लिए अगर जरूरत पड़े तो शस्त्रों को उठाओ, चाहे वो त्रिशूल हो चाहे गदा हो, इन तमाम जो शस्त्र हैं उनको उठाना चाहिए। इस उन्होंने और भी क्या कुछ कहा है उसके बारे में आपको बताएंगे। और हमारी तीसरी खबर है किस तरीके से आप जो वैक्सीन का ड्राई रन है वो सारे राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा 2 जनवरी से। इसके पहले आपने देखा था 28 और 29 दिसंबर को आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात और इसके अलावा पंजाब में भी ड्राई रन हुआ था, तो अब पूरे देश में वैक्सीन का ड्राई रन होगा और इससे जुड़ी हुई भी आपको सारी गतिविधियां बताऊंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली खबर से। आज केरल सरकार ने एक घंटे का स्पेशल असेंबली सेशन बुलाया था और आपको बता दें कि स्पेशल असेंबली सेशन को बुलाने के लिए भी काफी पॉलिटिक्स हुई थी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद और लेफ्ट फ्रंट सरकार के बीच, क्योंकि इसके पहले आरिफ मोहम्मद ने मना कर दिया था, बाद में जाकर उन्होंने अप्रूवल दिया। तो आज एक घंटे का असेंबली सेशन हुआ जिसमें केरल की सरकार ने यह प्रस्ताव पारित किया है कि जो केंद्र ने ये तीन कृषि कानून पारित किए हैं उनको कैंसिल किया जाए, उनको निरस्त किया जाए। और क्या क्या तथ्य दिए हैं मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने वो आपके सामने मैं रखना चाहती हूं। पहला जो पॉइंट है उन्होंने ये कहा है कि जो जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं यानी कि जितने भी कृषि उत्पाद हैं वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसको फेयर प्राइस पर खरीदे और जो जरूरतमंद किसान है उनको उस फेयर प्राइस पर दे। लेकिन सरकार ने यहां पर क्या किया है कि उन्होंने कॉरपोरेट लॉबी को इस कानून के जरिए लेकर आए हैं और इसलिए जो केंद्र सरकार है वो अपनी एक जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, ऐसा कहना है पिनाराई विजयन का। उन्होंने कहा है कि इस कानून से केरला भी बहुत ज्यादा बुरी तरह प्रभावित होगा और अगर जो कृषि उत्पाद है वो केरल में आना बंद हो जाएंगे तो यहां के जो किसान हैं वो भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे, ऐसा पिनाराई विजयन का कहना है। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल किसानों को एक कमजोर करने वाला कानून है, ये जो तीनों कृषि कानून है, इसलिए उन्होंने दरखास्त की है कि केंद्र सरकार इस पर सोचे और इन तीनों कानूनों को वापस ले। लेकिन आपको बता दें कि केरला में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी नहीं है, जिस चीज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि ये ऐसे लोग हैं जो किसानों के पास जाकर सेल्फी लेते हैं लेकिन इनके खुद के राज्यों में एपीएमसी नहीं है, तो ये एपीएमसी की कैसे बात कर रहे हैं। लेकिन आज समझने वाली बात यह है कि अगर केरल में एपीएमसी नहीं है तो उनके अल्टरनेटिव सिस्टम्स भी वहां पर बने हुए हैं, जैसे कि जो हॉर्टी क्रॉप्स हैं इसको लेकर जो फूड प्रमोशन काउंसिल्स हैं उसके, ये जो काउंसिल्स हैं उनके द्वारा यहां पर कृषि का ट्रेड होता है। लेकिन जो आज सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि पूरे केरल असेंबली में सिर्फ एक बीजेपी का विधायक है जिसका नाम है ओ राजगोपाल, तो उन्होंने वोटिंग के समय आज वोट नहीं डाला लेकिन डिसेंट नोट उन्होंने सिर्फ डिसेंट नोट दिया लेकिन उन्होंने वोटिंग में भाग नहीं लिया, और जिसको लेकर बीजेपी के जो विधायक थे उन्होंने बहुत उनकी आलोचना की। बाद में उन्होंने अपने आप को क्लैरिफाई किया कि नहीं, मैंने तो पूर्णतः रूप से जो कृषि कानून सरकार के द्वारा पास किए गए उनका मैंने समर्थन किया, तो इसको लेकर भी आज काफी राजनीति बनी रही। तो अब आपको बता दें कि ये केरल सरकार ने एक प्रस्ताव तो पारित किया है,
एक सिंबलिज्म है, मॉरल प्रेशर एक डालने की का ये एक उसी में बढ़ाया हुआ एक कदम है। लेकिन आज बात यह है कि क्या जो गतिरोध केंद्र सरकार और किसानों के बीच में बना हुआ है वो टूटेगा या नहीं टूटेगा। अभी दो मुद्दों पर किसानों और केंद्र सरकार के बीच में सहमति बनी है, जो बिजली बिल है और जो पराली जलाने के मामले को लेकर उस पर सहमति बन गई है। लेकिन जो देशव्यापी मुद्दा है एमएसपी को लेकर और दूसरा जो एपीएमसी एक्ट को लेकर है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, ये सारे मुद्दे अभी भी बरकरार हैं। और अब जो 4 जनवरी को मीटिंग होगी, क्योंकि जितने भी जो केंद्र के सरकार की तरफ से जो है वो पार्टी के स्पोक्सपर्सन हो, कल तोमर साहब के साथ जो मीटिंग हुई उसके बाद भी ये सुनने में आया कि ये कृषि कानून तो वापस नहीं होगा। तो अगर कृषि कानून वापस नहीं होगा तो भारतीय किसान यूनियन के जो जितने भी किसान है उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र इस कानून को वापस नहीं लेगा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तो कहना मुश्किल है कि 4 जनवरी को जो मीटिंग होगी उसमें ये गतिरोध टूटेगा या ये और लंबा चलेगा। लेकिन किसानों का ये मानना है कि वो अपना शांतिपूर्वक ढंग से अपने आंदोलन को जारी रखेंगे, लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है तो इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। आज आपको बता दें कि आज एक लंबी ट्रैक्टर और ट्रॉली मार्च निकालने का इरादा था, लेकिन कल जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आग्रह किया कि आपके जो महिलाएं हैं परिवारों की और जो बच्चे यहां आए हुए इतनी ठंड में बैठे हुए हैं आंदोलन में, आप उनसे कहिए वापस जाने के लिए, तो थोड़ा सरकार पीछे हटी है, थोड़ा किसान पीछे हटे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो देशव्यापी मुद्दा है तीनों कृषि कानून को वापस लेने का और एमएसपी को लेकर, वो अभी भी बना हुआ है। और इस पर क्या गतिरोध टूटेगा 4 तारीख को, ये कहना अभी भी मुश्किल है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूं। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जो राज्य अध्यक्ष हैं दिलीप घोष की। दिलीप घोष अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। अभी हाल में ही उन्होंने नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन के बारे में कहा था कि इन्होंने 3 शादी की है और 3 अलग अलग धर्मों में की महिलाओं से इन्होंने शादी किया है, तो इनको कोई मॉरल राइट नहीं है। लेकिन दिलीप घोष, जिन्हें की एक मोटर माउथ कहा जाता है, वो कुछ भी कहीं भी बोल देते हैं, तो आज उन्होंने फिर से उनका एक विवादित बयान सामने आया है। अब आपको बता दें कि एक ये हिंदू जागरण मंच का समारोह था जहां पर ये हिंदू युवकों को एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने इस बात को कहा कि अब समय आ गया है कि जो हिंदू युवक हैं उन्हें अगर अपनी महिलाओं का यानी कि माताओं का, बहनों का अगर सम्मान बचाना है, उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना है, तो उन्हें शस्त्रों को उठाना पड़ेगा। और इस शस्त्र में उन्होंने नाम लिया कि तलवार, त्रिशूल, सब चीजें उठानी हो तो उठा सकते हैं। और उन्होंने हवाला दिया धर्म का, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में तो ये चलन है, भगवान राम ने भी बहुत बचपन से ही शस्त्र उठाए थे, तो जिस तरीके से भगवान राम ने शस्त्र उठाए थे तो उस तरीके से आपको भी कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए इन शस्त्रों को उठाने में, और अगर किसी का गला काटने की भी जरूरत पड़े तो आप काटें। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि संविधान भी इस चीज को परमिट करता है कि आप सम्मान बचाने के लिए शस्त्र उठाएं। तो उन्होंने संविधान का भी उन्होंने आज हवाला दिया है और साथ में ये कहा कि पहले बदला लो और बदला लेने के बाद पुलिस स्टेशन जाओ। तो आज ये किस तरीके की बयानबाजी है? अगर आज हम बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की सरकार है वो होलीगरिज्म के लिए जानी जाती है, अपनी गुंडागर्दी के लिए जानी जाती है, तो ये जो विवादित बयान है ये किस तरीके के बयान है? जो राज्यपाल है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक से शिकायत की है, लेकिन आज दिलीप घोष जैसे बीजेपी के जो राज्य अध्यक्ष हैं उनकी आज कोई क्यों नहीं शिकायत करता, उनकी ट्रोलिंग क्यों नहीं होती इंटरनेट पे, उनके खिलाफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह जैसे बड़े जो दिग्गज नेता हैं, आज वो दिलीप घोष के बारे में क्यों नहीं कुछ करते? क्योंकि जो ये ऐसे बयान हैं ये समाज में सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं, और नफरत ही नहीं बल्कि जब आप हिंदू युवकों को डील करेंगे और उनसे ये बातें करेंगे कि नहीं अगर जरूरत पड़े तो आप अपनी महिलाओं के सम्मान को बचाने के लिए शस्त्र उठाइए, तो जाहिर सी बात है कि उनका एक इशारा है खास एक समुदाय को लेकर। तो जब ये एक खास समुदाय को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, या मैं अगर कहूं कि मुसलमानों को टारगेट करने की बार बार कोशिश की जाती है, तो पश्चिम बंगाल में जो जहां पे कि मुस्लिम डोमिनेशन काफी हद तक है, तो मंशा क्या है? यहां पर नैरेटिव एक ऐसा बनाया जा रहा है कि वोटर्स को पोलराइज किया जाए। आपको बता दें कि मई में ही पश्चिम बंगाल में 2021 में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं जो पूरी कवायद है वोटर्स को
पोलराइज करने की, वो देखिए अभी से उसका उसकी जो जमीन है वो बीजेपी के नेता ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं। दिलीप घोष हैं, कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता हैं, वो आए दिन ऐसे अनाप शनाप कुछ न कुछ बयान देते हैं। कभी वो संविधान का हवाला देते हैं, कभी महिलाओं के सम्मान का हवाला देते हैं। महिलाओं के सम्मान की बात करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा जैसे भगवान राम ने उठाया था, और संविधान का हवाला दिया जाए कि नहीं संविधान में कहा है कि संविधान में ये लिखा गया है कि अगर सम्मान बचाने के लिए जरूरत पड़े तो आप शस्त्र उठाइए, तो सम्मान अगर संविधान की बात करें तो संविधान में सर्वधर्म की एक सहिष्णुता की भी बात कही गई है, तो आज वो सहिष्णुता क्यों नहीं दिखती है। तो आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिलीप घोष जैसे नेताओं के ऊपर नकेल कैसे कसी जाए, और अगर नहीं कसी जाएगी तो समाज विभाजित नजर आएगा, अलगाववाद उसमें ज्यादा पैदा होगा, ध्रुवीकरण नजर आएगा। लेकिन सवाल ये है कि दिलीप घोष के मामले में कोई कड़ी कार्रवाई कोई करेगा, मुझे ऐसा डाउट है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है जरूर फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। शुरू होने में अब कुछ ही समय बचा है, और एक अच्छी खबर यह है कि जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है वीजी सोमानी, उन्होंने कहा है कि वी विल हैव अ हैप्पी न्यू ईयर, यानी कि जो नए साल की शुरुआत होगी वो एक खुशहाल शुरुआत होगी, क्योंकि ऐसा मानना है कि जो नई कोरोना की जो वैक्सीन है वो जल्द से जल्द, और अगर जल्द से जल्द मैं कहूं तो हो सकता है कि जनवरी के पहले हफ्ते में आ जाए। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है वो बहुत जल्द यानी कि कल 1 जनवरी को बैठेगी, और बैठकर वो जो इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज के की जो अप्रूवल्स है उस पर बातें तय होंगी, जिसको लेकर फाइजर की जो वैक्सीन है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो बना रहा है ऑक्सफर्ड जेनेका, भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है, इसके जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का मामला है वो उस मीटिंग में टेकअप किया जाएगा। इधर लेकिन इमरजेंसी यूज की बात हो रही है, और आज एक वेबिनार के दौरान बीजी सोमानी ने कहा कि बहुत जल्द ये वैक्सीन आ जाएगी, इसलिए केंद्र सरकार ने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो अपनी तरफ से जो तैयारियां हैं उसमें कोई कमी नहीं हो। 28 और 29 दिसंबर को आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश, असम, पंजाब और गुजरात में ड्राई रन्स हुए थे, और अब ये जो ड्राई रन है वैक्सीन के, ये देश के बाकी राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें किया जाएगा 2 जनवरी को। जब हम ड्राई रन कहते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ड्राई रन से हमारा क्या मायने है। ड्राई रन का मतलब ये है कि वैक्सीन स्टोरेज साइट से निकलकर जब स्टोरेज जहां पर वैक्सीन का होता है वहां से उस साइट पर जाए, फिर वैक्सीन कैसे लगाई जाए, और उसके बाद जो पूरा डेटा है वो इनका एक कोविन ऐप है, उस डेटा को उसमें कैसे फीड किया जाए। तो ड्राई रन के दौरान ये सारी चीजें होती हैं, स्टोरेज से लेके साइट तक जाने की, वैक्सीन को लगाने की, और फिर उसके बाद कोविन ऐप पर सारा डेटा डाला जाए, लेकिन वो बिना रियल वैक्सीन के ये किया जाता है। तो ये तो रही बात कि ड्राई रन कैसे होता है। इसके अलावा जो ड्राई रन्स में बातें देखने वाली हैं और जिसकी बार बार सरकार प्रैक्टिस करने की कोशिश की जा रही है कि क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ज्यादा बड़ी संख्या में अगर लोगों को वैक्सीन लगनी है तो क्राउड मैनेजमेंट अपने आप में एक चुनौती रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग को हम कैसे मेंटेन करेंगे वैक्सीन लगाते वक्त, वो भी एक चुनौती है। और दूसरा ये कि जो बूथ के अंदर कैसे गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, तो ये सारी बातें फॉलो करने की बात है, और इसीलिए ये ड्राई रन शुरू हो रहे हैं। तो एक हैप्पी एंडिंग पर, एक हैप्पी नोट पर ये साल खत्म हो रहा है। वीजी सोमानी की बात ये कहें, और फिर से मैं अगर दोहराऊं तो वी विल हैव अ हैप्पी न्यू ईयर, तो हम इस बात की उम्मीद लगा सकते हैं कि हो सकता है कोरोना का वैक्सीन जल्द ही आ जाए, और एस्ट्राजेनेका को अप्रूवल ऑलरेडी ब्रिटेन ने दे दिया है, तो ये भी भारत के लिए एक अच्छी बात है क्योंकि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा था। लेकिन जो इस समय सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के लिए है, तो वो तो ये है कि जो कोरोना वायरस का जो फाउंडर वायरस है अभी हम उससे निपट नहीं पाए हैं। हालांकि एक्टिव केसेस में कमी आ गई है और जो डेली केसेस हैं उनमें भी काफी कमी आई है, लेकिन जो नए कोरोना वायरस का स्ट्रेन है वो एक नई चुनौती पैदा कर रहा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि 23 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर के बीच लगभग 33,000 लोग यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन से भारत आए हैं, और पूरे देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पे लोग वहां पर उतरे हैं,
और उसमें से 20 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनमें नए कोरोना वायरस का स्ट्रेन पाया गया है, 2 छोटे बच्चे हैं जिनमें डिटेक्ट हुआ है। और अगर यूके के हेल्थ एक्सपर्ट्स की मैं अगर बात मानूं तो उनका ये कहना है कि बच्चों में ये जो नए कोरोना वायरस का स्ट्रेन है ये ज्यादा असर करता है, तो ये एक चिंता वाली बात है। लेकिन जो दूसरी चिंता वाली बात है कि ये जितने ट्रैवलर्स जो यूके से आ रहे थे, जो पैसेंजर्स हैं, उनमें से कईयों ने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिए हैं और कईयों ने अपने एड्रेसेस गलत दिए हैं ताकि इनकी ट्रेसिंग ना हो पाए। हालांकि जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम है वो सरकार पूरी तरीके से करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती है। और ये आपको ध्यान होगा कि जिस समय कोरोना का इन्फेक्शन भारत में आया था तो कुछ ऐसे ही चीजें सामने आई थी और इसी के चलते कोरोना का जो इन्फेक्शन था वो कितनी तेजी से आगे बढ़ा था। तो ये एक बड़ी चुनौती है इस समय सरकार के लिए। अब इसे लोगों को कैसे इससे टैकल किया जाए और ये जो लोग गायब हैं, जो ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उनसे ये इन्फेक्शन कितनी तेजी से फैलेगा, क्योंकि जो कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन है उससे 70% ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी है। तो ये चिंता वाली बात है, भले ही वो लीथल ना हो, जानलेवा ना हो, क्योंकि उस पर रिसर्चेस चल रही हैं, लेकिन ये एक चुनौती है और एक चिंता का विषय जरूर हमारे लिए बना हुआ है। तो आज के एजेंडा की 3 खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड हैव अ वेरी हैप्पी एंडिंग टू दिस ईयर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।